ऑटोमेटिक हम सेव बनाने का मशीन है, यही मशीन से आपको बहुत सारा नमकीन प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा, गाठिया बन जाएगा, पापड़ी बन जाएगी और बहुत सारी प्रोडक्ट आपको बन जाएगी। तो यहाँ पे हम मशीन ऑन करते ही यहाँ से इसके अंदर से जो मटेरियल है वो ऑन नीचे की बाजू गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे और एक लोड हमने डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पे आटा आपको जो भी होगा वो आपको डाल देना है मटेरियल, और नीचे की बाजू से आपका जो सेव है वो गिरना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से सारा चीज हो रहा है यहाँ पे इसके अंदर से। तो आपका जो भी मटेरियल रहेगा बहुत सारा नमकीन प्रोडक्ट आपको ये बना के देगा ये मशीन। बताया जैसे कि सेव है, फिर आपका गाठिया है, पापड़ी है, और भी बहुत सारी नमकीन प्रोडक्ट होगी इसके अंदर से ऑटोमेटिक तरीके से बन जाएगी। और उसके बाद आपको जो मशीन है अपने साइड में ले लिया और यहाँ पे आपने जो भी है मटेरियल है वो आपका इसके अंदर से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक कढ़ाई के अंदर आपको इसको फ्राई कर देना है। देखिए ऐसे करके आपको जितना भी टेम्परेचर चाहिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक कढ़ाई के अंदर सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक तरीके से फ्राई भी हो जाएगा इस मशीन के अंदर से। तो आपको दूसरा एक मैं मशीन दिखाना चाहते हो, गोटा बनाना चाहते हो, आपको आप ऐसे गोल गोल गोटा बनाना चाहते हो या मंचूरियन बनाना चाहते हो तो ये मशीन के अंदर से आपका बन जाएगा। ये दोनों मशीन का कॉम्बो आपको लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, उसके साथ इलेक्ट्रिक कढ़ाई आए वो भी ले सकते हो। और आपको बताओ एक घंटे के अंदर बहुत मतलब 25 से 50 किलो का प्रोडक्शन आपको आराम से 10 मिनट के अंदर निकल जाएगा इस मशीन के अंदर से। यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक जो मशीन से सेव निकल गई है हमारी, और अब इसके अंदर हम सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे जो सेव है नमकीन है वो यहाँ पे आ गए, और ये जो गोटे देख रहे हो गोटे बनाने का हमारे पास भी मशीन है। यहाँ पे आप इसके अंदर डाल दीजिए और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक कढ़ाई के अंदर सेट कर दीजिए और ये गोल गोल गोटे भी बन जाएंगे। ये सारा प्रोडक्ट आपको बनाना चाहते हो ऑटोमेटिक मशीन से तो ये दोनों मशीन आप ले सकते हो।